हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएम टुडे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यवतमाल घूमने के प्रमुख स्थान। यवतमाल महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का एक जिला है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान यवतमाल को वनी के नाम से जाना जाता था। 1905 में वनी का नाम बदलकर यवतमाल किया गया। जिले की प्रमुख नदियां वर्धा और पैनगंगा है। बालाघाट पर्वत श्रृंखलाओं से निर्मित यह जिला पहाड़ी मध्य पठार के नाम से भी जाना जाता है। यवतमाल जिले के उत्तर में अमरावती, पश्चिम में अकोला और परभनी, दक्षिण में नांदेड़, पूर्व में चंद्रपुर और वर्धा जिलों से घिरा हुआ है। यवतमाल जिला कपास उगाने वाला जिला है और जवार, मूंगफली, तूर दाल यह मुख्य फसलें हैं। यवतमाल जिले में कुल 16 तालुके हैं। यवतमाल जिले का क्षेत्रफल 13,584 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। नंबर 1, चिंतामणि मंदिर। यवतमाल जिले में कलम यह चिंतामणि गणपति मंदिर के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यह एक पेड़ के नीचे इंद्रदेव ने भगवान गणेश मूर्ति की स्थापना की थी। यह चिंतामणि गणेश जी का भूमिगत मंदिर है। यह गांव चक्रवर्ती नदी के किनारे स्थित है। हर 12 साल में मंदिर क्षेत्र में पानी भरता है, लेकिन माना जाता है कि श्री गणेश के स्पर्श से जल घटते जाता है। नंबर 2, टिपेश्वर अभयारण्य। यवतमाल जिले के पांडरगौड़ा में टिपेश्वर अभयारण्य बिखरा हुआ है। लगभग 148 किलोमीटर टिपेश्वर अभयारण्य फैला हुआ है। ऊंचे पहाड़ों और घाटियों के कारण यहाँ विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। बाघ, चित्तल, लोमड़ी, भालू, मोर, बंदर, नीलगाय, जंगली बिल्ली आदि इस अभयारण्य में पाए जाते हैं। नंबर 3, सहस्त्रकुंड वाटरफॉल। सहस्त्रकुंड वाटरफॉल मराठवाड़ा और विदर्भ के सीमा पर है। बारिश के मौसम में यह झरना पर्यटकों से भरा रहता है। 30 से 40 फीट के ऊंचाई से गिरते झरने, उड़ती बर्फ और गिरते झरनों की निराश आवाज पर्यटकों को एक अनोखी खुशी प्राप्त करता है। सहस्त्रकुंड वाटरफॉल के तट पर पर्यटकों के लिए एक उद्यान स्थापित किया गया है। उद्यान में विभिन्न रंगों की तितलियां पर्यटकों को लुभाती है। नंबर 4, कम्बलपोश बाबा दरगाह। यवतमाल जिले के अरनी गाँव में अरुणावती नदी के तट पर बाबा कम्बलपोश दरगाह स्थित है। बाबा कम्बलपोश दरगाह सभी धर्मों के लिए पूजा स्थल और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है। नंबर 5, ईसापुर डैम। यह डैम हिंगोली और यवतमाल जिलों की सीमा पर पुसद तालुके में ईसापुर गांव के पास स्थित है। ईसापुर डैम एक मिट्टी का डैम है। इस डैम के जलाशय का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। वेल दोस्तों, ये तो थी यवतमाल के बारे में छोटी सी जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। जय हिंद।